जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आपके सेकंड सब्जेक्ट की, बीएड फर्स्ट ईयर की। अगर हम बात करें साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, कई इसे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। तो दोस्तों साइकोलॉजी से संबंधित जो भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सवाल, जैसे अधिगम क्या होता है, लर्निंग क्या होती है, उसके अलावा मोटिवेशन क्या होता है, उसके अलावा पर्सनैलिटी क्या होती है, इन चीज़ों से कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है। और डेफिनेटली सवाल क्या, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो पिछले साल पूछे गए हैं और उनके उत्तर, सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट अधिगम से, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। लर्निंग को की परिभाषा, अर्थ, विशेषताएं, सारी चीज़ें देखा जाएगा। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि लर्निंग होता क्या है, यानी कि लर्निंग हम किसे कहते हैं। आप किसी बच्चे को कुछ सिखाते हैं, आप उसे कुछ लर्न कराते हैं, इसे हिंदी में अधिगम कहते हैं। अधिगम है ना, हिंदी में थोड़ा सा टिपिकल नेम है। तो जब आप किसी बच्चे को सिखाते हैं तो वो क्या करता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है, उस चीज़ों को सीख जाता है, अपने जीवन में उन चीज़ों का उपयोग कर लेता है। वास्तव में दोस्तों नए ज्ञान, नई प्रवृत्ति, नई चीज़ों, नई तकनीकों का सीख जाना, नए अपने जीवन में शामिल कर लेना, उसका उपयोग जान जाना, वास्तव में यही अधिगम कहलाता है, यही लर्निंग कहलाता है, यही दोस्तों सीखना कहलाता है। अब देखिए, सामान्य अर्थों में किसी नवीन बात को सीखना अधिगम कहलाता है, ठीक, अर्थात सीखना ही अधिगम है। बहुत ही आसान और बेसिक शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है जो कि आपको समझ में आ जाए और आप एग्जाम में लिख लें। जन्म लेने के पश्चात व्यक्ति अपने को एक विशेष प्रकार के भौतिक तथा सामाजिक वातावरण से घिरा हुआ पाता है, ठीक है। व्यक्ति के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति इस भौतिक सामाजिक वातावरण के अंदर ही होती है, किंतु इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति को कुछ न कुछ अपने वातावरण में संघर्ष या अनुकूलन करना पड़ता है। हम जब इस पृथ्वी पे आते हैं, इस दुनिया में आते हैं, तो हमारे अंदर एक हमारे आसपास सारे वातावरण से हम घिरे रहते हैं। हमें उसे देखना है, हमें उसे सीखना है, हमें उसका नकल करना है या हमें उसे समझना है, ठीक है। तो इस प्रकार के अनुकूलन के लिए वह अपनी आयु के अनुसार प्राप्त अनुभवों के आधार पर परिवर्तन लाते हैं। और जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं। हम पहले ऐसे चार पैर से माहों के चलते हैं, ऐसे घुटनों के बल चलते हैं, फिर धीरे धीरे हम सीखते जाते हैं, हमारे पैरों में मजबूती आती है, हम लोगों को चलना सीख देखते हैं तो हम खड़े होकर चलना शुरू कर देते हैं, उनसे बात करने का तरीका सीखते हैं, उनसे पढ़ने का तरीका सीखते हैं, चलने उठने बैठने कपड़े पहनने का ढंग तरीका सीखते हैं और हम क्या करते हैं अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं। तो अपने वातावरण से अनुकूलन करके, सामंजस्य स्थापित करके, जो चीज़ें हम जानते हैं अपने जीवन में स्थापित करते हैं, वास्तव में यही सीखना कहलाता है। यह परिवर्तन लाना ही एक प्रकार का सीखना या अधिगम है। आसान से शब्दों में इस तरीके से लिख दीजिए अधिगम के बारे में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अधिगम मतलब सीखना। सीखना कैसे, हम कहीं से सीखते हैं, अपने वातावरण से, घर, परिवेश, परिवार, विद्यालय, किताबें, चलचित्र, मूवीज, थिएटर, सॉन्ग, हर जगह से हम सीखते रहते हैं, ठीक है। अब आइए अधिगम की परिभाषाओं की बात करें। तो गेट्स ने क्या कहा था कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा अपने व्यवहारों का संशोधन और परिमार्जन करना ही क्या है दोस्तों, सीखना कहलाता है। अपने व्यवहारों को मॉडिफाई करना, अपने व्यवहारों को मॉडिफाई करना क्या है दोस्तों, सीखना है, यानी कि लर्निंग अधिगम है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। बात समझ में आ गई, हमारे बिहेवियर के कारण हमारे बिहेवियर में चेंज हो जाना, ये क्या है दोस्तों, एक सीखना है, एक अधिगम, एक लर्निंग। स्किनर महोदय कहते हैं सीखना व्यवहार में प्रगतिशील सामंजस्य की प्रक्रिया है। बात समझ में आ गई, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में एक नई चीज को शामिल करना, व्यवहार में कोई नई चीज को जोड़ लेना, ये क्या है दोस्तों, सीखना कहलाता है। कुछ अन्य परिभाषाओं को देखेंगे। अच्छा, एक चीज इससे समझ सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो सीख नहीं रहा है। दोस्तों बीएड एक सबसे बेहतरीन कोर्स है मेरे अनुभव के आधार पर। बीएड के विद्यार्थी जो होते हैं ना, वो आज के विद्यार्थी और कल के शिक्षक होते हैं। मेरा बड़ा सम्मान होता है बीएड के विद्यार्थी, क्योंकि आप आज के विद्यार्थी हैं, आप सीख रहे हैं, लेकिन आप कल के शिक्षक हैं, कल किसी को सिखाएंगे। तो जब आप बीएड कर रहे हैं, यकीन मानिए, जब आप बीएड कर रहे हैं तो आपके अंदर वो शिक्षक वाली व्यवहार आ जानी चाहिए। शालीनता, पेशेंस, धैर्य, बात में विनम्रता, सोच सही, सकारात्मक सोच, सही सूरता, ये सारी चीज़ें आपके अंतर्गत आ जानी चाहिए, ये क्वालिटी आपके अंतर्गत आ जाए। इसका मतलब तभी आप जीवन में कुछ सीख रहे हैं। जो लोग आईएएस या पीसीएस की तैयारी करते हैं और इंटरव्यू तक जाते हैं ना, आप उनसे बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस व्यक्ति के अंदर जरूर कोई खास बात है। वहां तक जाने से पहले अपने अंदर इतने परिवर्तन लाने पड़ते हैं, इतना डिसिप्लिन लाना पड़ता है, इतनी अच्छी बातें, हर एक चीज से अपने आप को इतना मेंटेन करना पड़ता है कि वो शायद आईएएस ना भी बन पाए ना, तो एक अच्छा व्यक्ति जरूर बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। वास्तव में वही सीखना होता है दोस्तों। तो अगर आप बीएड कर रहे हैं, कल के आप शिक्षक बनेंगे, तो डेफिनेटली दोस्तों हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, वह व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। कि हम घर में छोटे, हम एक शिक्षक बन रहे हैं, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए हम एक टीचर बन रहे हैं, हमें फ्यूचर में टीचर बनना है,
और हम घर के छोटे बच्चों से उनसे हम डांट के बात कर रहे हैं या फिर हम उन्हें नहीं समझा पा रहे हैं, उनसे मेरी नहीं बन रही है, तो सर कहीं ना कहीं हमें अपने आप में सोचना पड़ेगा कि जब हम अपने घर के बच्चों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे तो कल स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ कैसे करेंगे, जबकि हम अपने घर बच्चों को ज़्यादा जानते हैं। हाँ, ये बात सही है कि वो ज़्यादा बदमाश हैं, ज़्यादा शैतानी करते हैं, उनसे नहीं हो पाता है, मगर फिर भी ये हमारे अंदर क्वालिटी आनी चाहिए कि हमें क्या करना है, उन्हें कंट्रोल करना है, अच्छे से समझा समझा के ये परिवर्तन अपने अंदर आना चाहिए, तभी इसका मतलब आप बीएड कर रहे हो, तभी इसका मतलब आप सीख रहे हैं। तो कल को अगर सरकारी नौकरी ना भी मिले तो एक शिक्षित व्यक्ति तो आप बन सकते हैं ना, एक अच्छे समाज के शिक्षा के लिए आप व्यक्ति बन सकते हैं। चलिए बातें बहुत हो गई, यहाँ पे आते क्रोन। क्रो ने कहा था कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्या है दोस्तों? अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्रॉनवेक ने कहा था कि सीखना अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में परिमार्जन द्वारा अभिव्यक्त होता है। वुडवर्थ ने कहा था कि नवीन ज्ञान और प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखने की प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या? देखिए, बहुत ही साधारण से आसान से परिभाषा यहाँ पे लिखे गए, सारा याद करना तो मुमकिन नहीं, तो कोई भी दो या तीन आप डेफिनेटली याद कर लीजिएगा। केल्विन ने कहा था कि अनुभव के आधार पर हमारे पूर्व निर्मित व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया ही सीखना है। दोस्तों देखा आपने, व्यवहार में परिवर्तन को कितने लोगों ने जोड़ दिया है, तो ये क्या है दोस्तों, हमें भी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है, हमें भी अपने अंदर एक मॉडिफाई करना है अपने बिहेवियर। चलिए बहुत अच्छा। अधिगम की विशेषताओं की बात करें दोस्तों, तो अधिगम एक परिवर्तन है, ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन करता है, समाज में परिवर्तन करता है, बच्चे की सोच समझ में परिवर्तन करता है। अधिगम जीवन भर चलता रहता है दोस्तों, हम जीवन पर इतने क्या करते हैं, सीखते रहते हैं, ठीक है, घर परिवार से हर जगह से हम सीखते रहते हैं, तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप डेफिनेटली टॉपिक को याद रखिए, टॉपिक को नोट करिए और इसको हम क्या करना है, एक्सप्लेन करते हुए चलना है। सीखना क्या है दोस्तों? विकास है। जैसे जैसे सीखते जाते हैं आपके अंदर एक डेवलपमेंट होता जाता है, आप विकसित हो जाते हैं, एक बेहतर व्यक्ति बनते जाते हैं। सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है, मतलब आप कहीं भी सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं, कभी भी सीख सकते हैं, इसके लिए कोई उम्र की सीमा नहीं, कोई समय की सीमा नहीं, कोई स्थान की सीमा नहीं, तो ये क्या है दोस्तों, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये सारी चीजें हम क्या देख रहे हैं, अधिगम की विशेषता है। सीखना एक उद्देश्यपूर्ण भी होता है, उद्देश्यपूर्ण का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, हर एक व्यक्ति अच्छा व्यक्ति बनना चाहता है, हम जो हैं उससे बेहतर बनना चाहता है, हमारा उद्देश्य क्या है, एक अच्छा व्यक्ति बनना, एक अच्छा नागरिक बनना, एक अच्छा इंसान बनना। इसके अलावा भी अगर कोई बच्चा मेडिकल में कुछ सीख रहा है वो डॉक्टर बनने के सीख रहा है, इंजीनियरिंग कुछ सीख रहा है इंजीनियर बनने के सीख रहा है, लॉ में कुछ सीख रहा है अच्छा वकील एडवोकेट लॉयर जज बनने के लिए सीख रहा है, तो सीखना क्या है दोस्तों, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया भी है, ठीक है। चलिए, सीखना दोस्तों समायोजन करना है, सीखना का मतलब समायोजन, मतलब कनेक्शन स्थापित करना अपने एनवायरमेंट से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, सबसे क्या दोस्तों, एक समायोजन स्थापित करना है। सीखना अनुभवों का संगठन है, छोटे छोटे अनुभव होते रहते हैं और छोटे छोटे चीजें हम सीखते रहते हैं और ये पूरा का पूरा संगठन जो है अनुभवों का संगठन ही क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। तो ये हो गई सीखने की विशेषताएं, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। अभी तक आपने देख लिया कि सीखना है क्या, अधिगम क्या है, व्यवहार पर, अब इसको प्रभावित करने वाले कारक भी कुछ चीजें होते हैं जो आपके सीखने को प्रभावित कर देंगे। कैसे? सबसे पहली बात तो मैं मानता हूं कि दोस्त, जैसे दोस्त होंगे इंसान उस तरीके से सीखता रहता है, या फिर न्यूज समझ लीजिए जैसा परिवेश, आजकल की भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा यूट्यूब चैनल हो, आप जैसे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वैसे ही आप सीखेंगे, मूवी गाना रील्स देखेंगे तो डेफिनेटली आप उनकी तरफ आपका रुझान होगा, मेरे जैसे अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको क्या होगा, सीखने को अच्छा मिलेगा, हंसो मत हंस रहा है, तो इसीलिए क्या करते हैं आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, थोड़ी सी मस्ती मजाक चलती रहनी चाहिए। देखो खुद की तारीफ भी बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोग तो करते नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो अब हम आगे देखेंगे कि सीखने को प्रभावित करने वाला कारक क्या क्या, ऐसे कारक है जो सीखने को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, द फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ लर्निंग इंग्लिश में। अच्छा हाँ, एक और चीज, बच्चे कहते हैं कि सर इंग्लिश में नोट्स बनाइए, अरे आप तो हेडिंग लिखिए, बाहर इंग्लिश में अपने शब्दों में तो एक्सप्लेन कर ही सकते हैं, आप लोग तो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इतने सेंटेंस बनाना आपको आता ही है, बट कोशिश करेंगे कि बोल देंगे, यहाँ पे पीडीएफ में तो लिखा नहीं मगर कोशिश करेंगे कि बोल देंगे। सो देर आर अ फ्यू फैक्टर्स विच अफेक्ट द लर्निंग इंग्लिश, ओके, अधिगम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक में द फर्स्ट वन इज द विद्यार्थी संबंधित कारक, द फैक्टर रिलेटेड टू स्टूडेंट, फैक्टर रिलेटेड टू टीचर्स, विषय वस्तु और वातावरण संबंधित कारक, द फैक्टर्स रिलेटेड टू द टेक्स्ट बुक, या फिर आप सब्जेक्ट कह लीजिए, या फैक्टर रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट या वातावरण कह लीजिए, परिवेश कह लीजिए, एम्बियंस कह लीजिए। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में चार पॉइंट है दोस्तों, विद्यार्थी से संबंधित कारक, शिक्षक से संबंधित कारक, विषय वस्तु से संबंधित कारक और वातावरण से संबंधित कारक। अब विद्यार्थी से संबंधित कारक क्या होते हैं, उसका स्वास्थ्य कैसा है, मान लीजिए वो बेचारा बीमार रहता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ठीक से चल नहीं पाता, ठीक से, तो ये उसको प्रभावित करेगा सीखने में, बहुत हद तक ऐसा नहीं कि वो सीख नहीं पाएगा लेकिन हाँ प्रभावित करेगा। मानसिक स्वास्थ्य उसको कितना है, उसकी इंटेलिजेंट आईक्यू लेवल क्या है, बुद्धिमान है, मंद बुद्धि है, कैसा है, ये उसको क्या करेगा दोस्तों, प्रभावित करेगा सीखने में। सीखने की इच्छा, बच्चे का मन भी तो होना चाहिए सीखने का, सीखने की इच्छा हो तो वो जल्दी सीख जाता है। जैसे आप बेस्ट एग्जांपल आप खुद पे ले लीजिए,
जब एग्जाम आता है तो एक दिन में पूरा सब्जेक्ट खत्म, और उससे पहले एक यूनिट भी नहीं खत्म होता है। क्यों? क्योंकि उस समय आपको सीखने की इच्छा है, उस समय सीखने की तत्परता है, जल्दीबाजी है। यू आर अ वेरी क्यूरियस टू लर्न एट दैट टाइम। बीच बीच में इंग्लिश बोल दिया करेंगे। सीखने की इच्छा, सीखने का समय, और किस समय सीख रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए घर में शादी पड़ी, आप सीखने बैठ गए, अभी पढ़ने बैठ गए, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट हाँ, दीज आर द पॉइंट्स विच अफेक्ट लर्निंग। सीखने का समय, सीखने की तत्परता, कितने तत्पर है एग्जाम के टाइम वाला विद्यार्थी या बालक की मूलभूत क्षमताएं, उसकी अपनी कितनी क्वालिटी, अपनी कितनी कैपेबिलिटी है, ये डिपेंड करता है। मेंटल लेवल, रुचि, इंटरेस्ट और अभिप्रेरणा का स्तर, मोटिवेशन। उसको कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उसको मोटिवेट कर दो तो शक्तिमान बनकर छत से कूद जाते हैं। क्यों बेटा? तो मतलब मोटिवेशन का लेवल भी क्या करता है, डिपेंड करता है कि कैसे मोटिवेट किया आपने बच्चे को। तो मोटिवेट कर दीजिए तो ये भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, उसको मोटिवेट कर दीजिए कि तुमको ये करना है, तुमको वो बनना है, तो बच्चा क्या करता है, पढ़ना शुरू कर देता है। ये हो गया विद्यार्थी से संबंधित। दूसरा, शिक्षक से संबंधित कारक, द फैक्टर रिलेटेड टू द टीचर। अब क्या है भैया, विषय का ज्ञान कितना है गुरु जी को, ठीक है। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य कैसा है गुरु जी का। समय सारणी का निर्माण दोस्तों, टाइम टेबल कैसे हमने बनाया है उस तरीके से, ठीक है। तो वो है, जैसे मान लीजिए अक्सर अक्सर बेटा तुम्हारे स्कूल में जो लास्ट का गेम पीरियड होता है वो लास्ट में होता है। क्यों होता है लास्ट? कम टाइम की वजह से नहीं होता। शुरू में गेम करा देंगे, थक जाओगे तो तुम पढ़ोगे नहीं, कपड़ा गंदा हो जाएगा, धूल धूल में लग जाओगे, तो इसीलिए आगे नहीं पढ़ पाओगे। तो इसीलिए समय सारणी का भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि समय के हिसाब से शुरू में देखना, मैथ्स के सब्जेक्ट, साइंस के सब्जेक्ट रख देते हैं, बीच में गैप करके लैंग्वेज के सब्जेक्ट रख देंगे। तो समय सारणी का इसीलिए हम लोग को टीचर में पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं कि टीचर बन जाते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान, देयर मस्ट बी नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंस। एक टीचर को यह पता होना चाहिए कि बच्चे के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस है। हर एक बच्चे अपने लेवल से सीखेंगे, हर एक बच्चे अपने स्तर से सीखेंगे। तो ऐसा नहीं कि सबको एक मेथड से पढ़ा रहा है या सबको स्टैंडर्ड मेथड से पढ़ा, तो ये हमें नॉलेज होना चाहिए। शिक्षण पद्धति दोस्तों, शिक्षक का खुद का व्यक्तित्व कैसा है, कोई खड़ूस तो नहीं है, गुस्सा के बोलता है, मतलब अच्छा व्यक्तित्व हो तो अच्छे से पढ़ा सकता है। अध्यापक का व्यवहार कैसा है, पढ़ाने की इच्छा भी है कि नहीं, मन है कि नहीं गुरुजी को पढ़ाने का, खाली पैसा लेने के लिए पढ़ा रहे। व्यवसाय के प्रति निष्ठा, कितने ईमानदार हैं अपने व्यवसाय के प्रति। अभ्यास कार्य को दोहराने की व्यवस्था, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल, मनोविज्ञान और बाल प्रकृति पर बल। बाल केंद्रित शिक्षा बल पर मतलब दोस्तों ये समझना चाहिए कि बालक प्रमुख है, बालक की इच्छा है पढ़ने का, भले मेरी इच्छा कि हमें पढ़ाना है, बालक क्या दोस्तों प्रमुख है, बाल केंद्रित, बालक के रुचि के अनुसार पढ़ाना है। मनोवैज्ञानिक एवं बाल प्रकृतियों का भी ज्ञान होना चाहिए। सो दीज आर ऑल द पॉइंट विच आर रिलेटेड टू टीचर एंड अफेक्ट लर्निंग। ये वो सारे कारक है जो शिक्षक से संबंधित है और हमारे अधिगम को, लर्निंग को, सीखने को प्रभावित करते हैं। विषय वस्तु से संबंधित कारक दोस्तों, विषय वस्तु की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है जो आप पढ़ा रहे हैं। मैथ का नेचर थोड़ा सा न्यूमेरिकल होता है, कैलकुलेटिव होता है, वहीं भाषा का नेचर सामान्यतः बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। मैथ को भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, जैसे मैं इसको इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ, आई होप। विषय वस्तु का आकार, मतलब ऐसा तो नहीं कि बहुत लेंथी है, विषय वस्तु की उद्देश्य पूर्णता, भाषा शैली कैसा है, श्रव्य दृश्य सहायकों की सामग्री, रुचि के विषय, मतलब जो आप पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा डिजिटलाइज करके पढ़ाइए, थोड़ा सा दिखावा करके पढ़ाइए तो बच्चे ज़्यादा समझते हैं। तो ये क्या होगा, तो विषय वस्तु संबंधित कारक जो प्रभावित करते हैं। देखो, पॉइंट नोट करिए, पॉइंट नोट करते जाइए। एग्जाम में पेन तो ऐसे चलेगा जैसे कि बस उस दिन आखिरी दिन है, पेन खत्म, फाड़ मत दीजिएगा पेपर को। चलिए, वातावरण से संबंधित कारक क्या होते हैं भाई, विद्यालय की स्थिति। मान लीजिए विद्यालय बीच मार्केट में है जहाँ पे शोर शराबा हो रहा है, इसलिए विद्यार्थी को थोड़ा, विद्यालय थोड़ा साइड में रखा जाता है, पेड़ पौधों से अच्छे पार्क फूलों से वातावरण बनाया जाता है। कक्षा का पर्यावरण कैसा है, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत शोर हो रहा है, छत टपक रहा है, तो ये सारी चीज़ें प्रभावित कर सकती है। पारिवारिक वातावरण कैसा है, घर पे हमेशा कलह मचा रहता है, तहसील जमा रहता है, पंचायत होती रहती है, इनकी बातें उनकी बातें, गोपी बहू सब चलता रहता है, तो ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। भौतिक वातावरण कैसा है, ठीक है, सामाजिक वातावरण कैसा है, विशेष सामग्री की प्राप्ति, मनोवैज्ञानिक वातावरण, ये वो सारे पॉइंट है वातावरण संबंधी जो बच्चे को अधिगम को प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये सब पूछे जाए, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको बस लिखते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। एक पॉइंट है दोस्तों, मिश्रित प्रणाली शिक्षा, यानी कि ब्लेंडेड शिक्षा, ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं इसको, शिक्षा नहीं यहाँ पे वो होना चाहिए अधिगम, मिश्रित प्रणाली अधिगम या फिर ब्लेंडेड, इसका क्या मतलब होता है। देखो तो दोस्तों, एक औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम है जिसमें विद्यार्थी पाठ्यक्रम का एक भाग कक्षा में पूरा करता है और दूसरा भाग डिजिटल एवं ऑनलाइन संसाधनों के प्रयोग से सिद्ध करता है। मतलब ये एक औपचारिक शिक्षा का व्यवस्था है। इसमें क्या है, जैसे हम क्लासरूम में, कुछ बच्चे क्लासरूम में सीखेंगे, फिर दूसरा कुछ पार्ट जो हम ऑनलाइन के माध्यम से
वीडियोस के माध्यम से, ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से हम सीखेंगे। मतलब मिश्रित का मतलब क्लासरूम की शिक्षा और ऑनलाइन की शिक्षा, दोनों की मिश्रित कर लीजिए, यही मिश्रित शिक्षा हो गई, यही ब्लेंडेड लर्निंग हो गई, ब्लेंडेड अधिगम हो गया। समझ में आ गया? ये भी सवाल पूछता है अक्सर, एक नंबर में डेफिनेटली पूछा। अब इसके फायदे पूछता है, तो फायदे ये होता है कि बच्चे जल्दी सीखते हैं, अफेक्टिव होता है, कम समय लगता है, सीखने के कई साधन हो जाते हैं, ये सारे। इसके अगर नुकसान पूछ ले तो सभी बच्चों के लिए संभव नहीं है, इसके लिए हाईली स्किल्ड टीचर चाहिए, बच्चों के सिखाने वाला कोई मॉनिटर चाहिए, तो ये सारी चीजें आप लिख लेंगे, तो मिश्रित अधिगम कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, इसकी अर्थ परिभाषा और प्रकार को समझेंगे, ठीक है, कि ये सारी चीजें क्या होती है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो जरा लाइक भी कर दिया करिए, ठीक है। चलिए बार बार ठीक है, चलिए। मतलब मोटिवेशन, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया ना कि मोटिवेशन ऐसा दे दो कि बच्चा, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, ऐसे ऐसे बोलते हैं कि जैसे तू संदीप महेश्वरी हो गया, सबसे अच्छे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर तो मुझे विकास देवी कीर्ति सर लगते हैं, ओझा सर भी बहुत अच्छे, मतलब ये लोग तो हैं। तो मोटिवेशन क्या है भैया, अभिप्रेरणा शब्द को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहा जाता है। मोटिवेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है शक्ति के रूप में किया गया, मोटिव से लिया गया, और मोटिव का मतलब होता है, एक तो होता है मोशन से, गति से होता है, दूसरा शक्ति से होता है। किसी कार्य के लिए प्रेरित करे अथवा अभिप्रेरणा दे, मतलब मोटिवेशन है जो हमें किसी कार्य के लिए प्रेरित करे, प्रेरणा दे, हमारी शक्तियों को बाहर निकाले, हमें उस कार्य में आगे बढ़ने की क्षमता दे, हमें उस कार्य में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करे, प्रेरित करे। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में अभिप्रेरणा जीव में क्रिया उत्पन्न करने वाले उन सभी कारकों को कहा जा सकता है जो आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से प्रभाव डालते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई क्रिया करने के लिए प्रेरणा उत्पन्न कर दे, वास्तव में वही क्या है दोस्तों, मोटिवेशन है, ठीक है। अब एक और चीज, एक सब जैसे मान लीजिए मैं बैठा हूँ, मुझे प्यास लग गई, अब मुझे प्यास लग गई तो मुझे पानी पीने जाना है, तो पानी पीने जाना है तो वास्तव में ये भी एक प्रकार का मोटिवेशन है। जैसे मान लो मुझे करना है कुछ, अंदर से आया मैं जाऊँ कर, तो ये भी एक प्रकार क्या हो जाएगा, मोटिवेशन है, जो क्यों हमें क्रिया करने के लिए प्रेरित कर देती है। अभिप्रेरणा की परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों, अभिप्रेरणा की परिभाषा, वुडवर्ड ने कहा था कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह अवस्था एवं तत्परता है जो किसी व्यवहार को करने के लिए एवं किन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है। हमें क्या करती है दोस्तों, हमें कोई कार्य करने के लिए मजबूर कर देती है, प्रेरित कर देती है, निर्देशित कर देती है। गिलफोर्ड के अनुसार, गिलफोर्ड ने प्रेरकों की परिभाषा अपने शब्दों में इस प्रकार दी है कि प्रेरक एक ऐसी कोई आंशिक अवस्था अथवा कारक है जो क्रिया को आरंभ करने अथवा जारी रखने की प्रवृत्ति होती है, जिसके अंदर क्या होती है, प्रवृत्ति होती है कि आपको कोई क्रिया आरंभ करा दे या फिर कोई कार्य कर रहे हैं तो आप उसको जारी रख दे। समझ में आ गई, बहुत अच्छा। अब आइए दोस्तों इसकी प्रकृति को समझ जाते हैं कि मोटिवेशन की प्रकृति क्या होती है दोस्तों। तो सबसे पहली प्रकृति की बात करें, अभिप्रेरणा के परिणाम और प्रक्रिया दोनों ही उत्पन्न होते हैं, अभिप्रेरणा से परिणाम और प्रक्रिया। देखो मोटिवेशन, अभी आपने देखा ना कि मोटिवेशन से पहली चीज तो एक प्रक्रिया है कि आपने शुरू करा दी, मोटिवेशन एक परिणाम भी उत्पन्न हो सकता है कि आपने वो कार्य पूरा कर लिया। तो मोटिवेशन क्या करता है, एक प्रक्रिया और परिणाम दोनों उत्पन्न करता है। अभिप्रेरणा का जन्म किसी न किसी आवश्यकता से ही होता है, कोई जरूरत होगी तो, मतलब हम सोचेंगे कि हमें ये प्राप्त करना है, या फिर अभिप्रेरणा वो जन्म दे देता है किसी उद्देश्य का या किसी मकसद का। अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति को तब तक क्रियाशील रखती है जब तक कि उसके उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, आप बड़े मोटिवेशन है, डॉक्टर बन गए, उसके बाद क्या, फिर आपकी अभिप्रेरणा शिफ्ट हो जाएगी, अब हमें एक अच्छा इलाज करना है, अच्छे से इलाज कर, तो वो शिफ्ट हो जाएगी। अभिप्रेरणा का उत्पन्न करने वाले कारकों को मनोवैज्ञानिक भाषा में अभिप्रेरक कहते हैं, ठीक है। अभिप्रेरणा दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, पहला आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरा बाह्य अभिप्रेरणा। इंटरनली मोटिवेशन का मतलब जो आपको खुद मोटिवेट करे, और बाह्य अभिप्रेरणा मतलब कोई आपको बता दे, उठो सो क्यों रहे हो, पढ़ो तुम्हारा पेपर है, एग्जाम है, चूक जाओगे तो, रुक जाओगे तो, चूक जाओगे तो, ये सारी चीज़ क्या है, मोटिवेशन। किसी भी मनुष्य के अंदर चाहे वो आंतरिक अभिप्रेरणा हो या बाह्य अभिप्रेरणा, इनसे उत्पन्न अभिप्रेरणा हमेशा आंतरिक होती है, भले बाह्य से उत्पन्न हो या आंतरिक से उत्पन्न हो, लेकिन जो मोटिवेशन होगा वो आपके अंदर ही होगा, आपके मन में होगा, आपके दिल में होगा। दोस्तों एक और हम टॉपिक को यहाँ पे देख लेते हैं, वो है व्यक्तित्व का अर्थ और परिभाषा जा रही है, पर्सनैलिटी किसे कहते हैं, इससे भी अक्सर सवाल आपसे पूछा जाता है। चलिए तो देखते समझते हैं कि व्यक्तित्व क्या है। देखिए किसी भी व्यक्ति को सिर्फ उसके आकार के अनुसार देखकर उसके बारे में अनुमान लगाना शायद गलत होगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति दिखने में अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा है। कोई व्यक्ति अच्छा, अच्छा ना होना और अच्छा होने के अंदर भी एक लॉजिक है। हम किसको कैसा समझते हैं, वो हमारी नज़रों में जैसा होता है ना, हम उसे वैसा समझते हैं। हो सकता है कि हमारी नज़र में कोई अच्छा नहीं हो, इसका मतलब है कि वो वास्तव में अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं। हो सकता है कि हमें कोई पसंद नहीं है, लेकिन हाँ वो व्यक्तिगत रूप में बहुत अच्छा है। तो हम अगर किसी को केवल देख के उसके व्यक्तित्व के बारे में पता लगा रहे हैं तो ये गलत है। यहाँ इसका अर्थ उस व्यक्ति के किसी वस्तु को देखने का नज़रिया क्या है,
किसी वस्तु या किसी प्राणी को वह किस प्रकार देखता है, वो कैसे सोचता है, संपूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के आंतरिक पहलुओं को हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार करते हैं। उसका आंतरिक पहलू कैसे है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे के प्रति उसका व्यवहार कैसा है, किसी व्यक्ति के किसी वस्तु के प्रति उसका व्यवहार, प्रेम, उसका गुस्सा, उसका असमंजस, उसका रिएक्शन कैसा है, उसके आंतरिक व्यवहार कैसे हैं दोस्तों किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति, इस स्वरूप को हम दोस्तों क्या कह सकते हैं, उसका व्यक्तित्व कह सकते हैं, उसके अंदर पर्सनैलिटी कह सकते हैं। जैसे MS धोनी बड़े शांत स्वभाव के माने जाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी मानी जाती है वो बड़े काम है, गुड लीडर हैं, ठीक है, तो वो उनकी आंतरिक शक्ति है। अब व्यक्तित्व की परिभाषा अन्य लोगों ने कई कई तरीके से इसको परिभाषित किया है, इसकी परिभाषा भिन्न लोगों ने अपने दृष्टिकोण के अनुसार, क्योंकि हम किसी भी व्यक्तित्व के अंदर, जैसे दो लोगों की सोच एक नहीं हो सकती, ठीक है, हो सकता है कि वो किसी चीज़ के बारे में क्या सोच रहा है, वो किसी और के बारे में कुछ और सोच रहा है, तो नज़रिया और जो सोच है वो अलग अलग हो सकती है। ये व्यक्तिगत विभिन्नता है, हमें इसको क्या करना है, स्वीकार करना है, क्योंकि हर व्यक्ति को सोचने एवं देखने का नज़रिया दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, क्योंकि दो व्यक्ति की सोच दृष्टिकोण एक जैसे नहीं होती है। तो हर एक मनोवैज्ञानिकों ने इसको क्या किया, अलग अलग तरीके से परिभाषित किया व्यक्तित्व को। तो देखो, कुछ ने माना कि व्यक्तित्व क्या है, जन्मजात और अर्जित विशेषताओं का योग है। किसी के घर के बच्चे जन्मजात ही बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, लड़ाई करना, झूठ बोलना, ये सब उनके अंदर नहीं है। कुछ जन्मजात ही बड़े दबंग टाइप के होते हैं, लड़ाई करना, वो क्लासरूम में है फिर भी लड़ाई कर, उसके पापा भी लड़ाई, तो ये क्या होता है, कुछ ऐसी व्यक्तित्व क्वालिटी होती है जो जन्मजात। अच्छा, कुछ बाद में सीख भी लेते हैं, जैसे पापा जी तो बड़े शांत स्वभाव के लेकिन बेटा तूफान, ठीक है, इस तरीके का होता है। यह रुचियों का वह आकलन है जो व्यक्ति के व्यवहार को एक विशेष प्रकार के व्यक्तित्व रूप प्रदान करता है, ठीक है। ये किसने कहा था दोस्तों, ये कहा था मैक्रेडी ने कहा था। अच्छा, इसकी परिभाषा कई लोगों ने अपने दृष्टिकोण के अनुसार दी है, परंतु वर्तमान समय में अनुसार इसका सटीक परिभाषा देने का कार्य ऑलपॉट ने किया। तो ऑलपॉट ने देखते हैं क्या किया, इन्होंने कहा कि वह व्यक्ति के अंदर मानसिक संस्थाओं का योग है जो वातावरण के साथ उसका समायोजन स्थापित करता है। यह ऑलपॉट ने कहा था, व्यक्तित्व की परिभाषा दी थी, तो कोई भी एक दो आप इसको याद कर सकते। समझ में आ गया व्यक्तित्व के बारे में, व्यक्तित्व क्या है भाई, कोई किसी उसके आंतरिक स्वरूप है, आंतरिक सोच है कि वो किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी क्रिया के प्रति कैसा व्यवहार करता है। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं दोस्तों, व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे इसमें व्यक्तियों के आंतरिक पक्ष पर बल दिया जाता है, ये इसकी विशेषता हो गई। यह परिवर्तनशील होता है क्योंकि व्यक्ति सदैव कुछ ना कुछ सीखते रहता है, यह परिवर्तनशील होता है। हो सकता है शुरू में वो बहुत गुस्से वाला हो, बाद में वो बड़ा शांत स्वभाव का हो जाता है, शुरू में तो बाबू बहुत अच्छे थे लेकिन बाद में और बदमाश हो गए, तो इस तरीके की क्या है उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी चेंज होती रहती है। यह स्वचलित होता है, अर्थात कोई व्यक्ति अपने आप को, असली रूप को कितना ही छुपाना चाहे, वह अपनी क्रियाओं के माध्यम से संचालित कर ही देता है, चाहे वो कितना भी कोशिश करे। जैसे किसी के का नेचर होता है ना कि वो जल्दी गुस्सा हो जाता है, हालांकि कंट्रोल करे लेकिन वो बाहर आ ही जाता है, ठीक है। तो ये स्वचलित प्रक्रिया है, बहुत उस पर कंट्रोल करते करते धीरे धीरे वो समाप्त भी हो जाती है। पर्सनालिटी जो है भैया, निरार्थक घटक उसका पर्यावरण और वंशानुगत भी होता है, इन्हीं के द्वारा उसकी मानसिक एवं बौद्धिक विकास भी होता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, अनुवांशिक भी होता है, जिससे ट्रांसफर, जैसे मैंने बताया ना कि एक परिवार में एक ही प्रकार के व्यक्तित्व, शांत स्वभाव के हो गए, गुस्सेल हो गए, झगड़ालू हो गए, तो इसी प्रकार से आगे बढ़ता है। यह सामाजिक दृष्टिकोण का मूर्त रूप है, ये सामाजिक दृष्टिकोण क्या है दोस्तों, मूर्त रूप। तो ये हो गई इसकी विशेषताओं के बारे में, बस यही छोटे मोटे पॉइंट्स थे, फिर हम इस वीडियो को समाप्त कर लेते हैं। एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, अक्सर इससे सवाल पूछा जाता है व्यक्तित्व के मापन की विधियाँ कई हैं, लेकिन डिस्कस हम कुछ पॉइंट्स को करेंगे। तो इसमें अप्रेक्षण विधि और प्रेक्षण विधि, दो प्रमुख विधि यहाँ पे लिए गए हैं, अप्रेक्षण विधि, प्रेक्षण विधि। व्यक्तित्व को मापन कैसे करेंगे, आपको जानना है कि कोई बच्चा की व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका कैरेक्टर कैसा है, तो उसको जानेंगे कैसे, आप उसके व्यक्तित्व को कैसे जानेंगे, इसकी दो विधियाँ हैं, पहला अप्रेक्षण, दूसरा प्रेक्षण विधि, ठीक है। अप्रेक्षण को आगे बढ़ा दिया गया है, जिसमें आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और मनोविश्लेषण विधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आत्मनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ विधि, आत्मनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ विधि, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आत्मनिष्ठ विधि में क्या है भैया, देखिए पहला तो जीवन इतिहास विधि, दूसरा है पर्सनाली विधि, तीसरा है साक्षात्कार विधि और आत्मलेखन विधि। देखो, आत्मनिष्ठ विधि का मतलब किसी भी विद्यार्थी के या किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में अगर आप जांच या परीक्षण करना चाहते हैं, तो एक विधि अपना सकते हैं कि जीवन इतिहास विधि। आप ये देख सकते हैं कि पास्ट में उसकी घटनाएं कैसी रही हैं, पास्ट में मतलब इतिहास में, अतीत में उसने कैसे कार्य किए हैं, ठीक है, वो कैसे लोगों से रिएक्ट करा है, झगड़ा करा है, वो कैसे, जैसे मान लो कोई बड़ा हो गया तो पास्ट में उसका व्यक्तित्व कैसा है, आप उसके बारे में जान के उसकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को जान सकते हैं।
प्रश्नावली विधि का मतलब आप उससे कुछ पढ़ने के लिए वो प्रश्न पूछ सकते हैं, कुछ लिखने के लिए कह सकते हैं, उससे कुछ जानने के लिए कह सकते हैं। तो प्रश्न पूछकर आपस में बात करके भी उससे क्या कर सकते हैं, आप उसकी पर्सनालिटी को जान सकते हैं। साक्षात्कार विधि मतलब वो कितना पढ़ा लिखा है, कौन सी डिग्री पढ़ा है और उस पढ़ाई को कितना जानता है, इसके माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, किसी की पर्सनालिटी को आप जान सकते हैं, व्यक्तित्व को जानने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत हद तक नहीं, कंप्लीट नहीं जान सकते, मगर जानने की कोशिश कर सकते हैं। आत्मलेखन विधि किसी टॉपिक पे उसको खुद से लिखने के लिए दे दीजिए कि तुम खुद से लिखो, मतलब इसी पे अपने विचार रखो, तो जब उस पे वो लिखेगा तो आप उसके व्यक्तित्व के बारे में कुछ समझ सकते हैं, मापन कर सकते हैं इसकी सोच या फिर इसकी समझ किस दिशा की तरफ बढ़ रही है। ओके, ये इस वीडियो की लास्ट टॉपिक होने वाली है, क्या है वो है वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ विधि मतलब आप समझते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स मेथड। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें है एक नियंत्रित निरीक्षण मेथड, मापन रेखा विधि मेथड या समजातीय विधि या शारीरिक परीक्षण मेथड। इसको जरा समझ लेते हैं, कई बार इसे सवाल पूछ देता है, ठीक है। पहला क्या है, इस विधि का प्रयोग मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। इसमें हम व्यक्ति की विभिन्न क्रियाओं तथा आचरण व्यवहार का अध्ययन करते हैं और इन्हीं के आधार पर व्यक्तित्व की विशेषताएं मालूम करते हैं। तो ये एक नियंत्रित निरीक्षण विधि है, किसी प्रयोगशाला के अंदर, किसी लैब के अंदर या किसी क्लासरूम के अंदर बच्चों का हम निरीक्षण करते हैं, देखते हैं, समझते हैं और उनके व्यक्तित्व और विशेषताओं को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला था हमारा दोस्तों मापन रेखा विधि। मापन रेखा विधि का मतलब क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए हम किसी व्यक्ति के, यहाँ पे देखिए कि क्या वह बालक ईमानदार है, तो हमने कुछ लोगों से कहा कि क्या वह बालक ईमानदार है, तो किसी ने कहा कि हाँ बहुत ईमानदार है, एक ने कहा ईमानदार, एक कहा औसत बेईमान, एक कहा बेईमान है। तो हमने कई लोगों से थोड़ा सा मापन रेखा विधि एक बनाई कि चलो ये, तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं उसके बारे में हम व्यक्तित्व को जानते हैं। तो इस विधि व्यक्ति गुण का मूल्यांकन स्वयं व्यक्ति या उसके संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों से करवाया जाता है। वे आमुक व्यक्ति के गुणों पर अपने विचार प्रकट करते हैं। जिस गुण की परीक्षा करनी है उस गुण का श्रेणी या वर्ग विभाजन करने के लिए एक रेखा 3, 5 या 7 बार भागों में, मतलब हम 3, 5 या 7 लोगों से पूछ लेते हैं कि कैसा व्यक्ति है वो, ठीक है, तो वो उनके बारे में बताता है, ठीक। तो क्या वो छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाता है, तो किसी ने कहा हाँ हमेशा परेशान होता है, नहीं किसी ने कहा नहीं बहुत शांत स्वभाव का है। तो इस तरीके से हम व्यक्तित्व का मापन करते हैं, तो ये एक मापन रेखा विधि हो गई। ओके, समजातीय विधि का मतलब क्या होता है। समजातीय विधि का मतलब जैसे इस विधि के द्वारा व्यक्ति सामाजिक गुणों की परीक्षा की जाती है कि समाज में वो कैसा रहता है। मतलब हम किसी पूछते हैं कि मतलब क्या वो अपने आप को बहुत सीमित लोगों तक रखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, वो मतलब कैसा उसका है। कुछ लोग होते हैं ना जो मतलब बहुत सेल्फिश नेचर के, मतलब हमें उससे मतलब नहीं कि कौन समाज में क्या हो रहा है, वो बहुत अपने में खुश रहने वाले हैं। तो इस तरीके से भी हम क्या करते हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रहे सारे वो पॉइंट जिसके द्वारा हम क्या कर लेते हैं किसी के व्यक्तित्व को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जीवन इतिहास विधि, पर्सनालिटी विधि, साक्षात्कार विधि और अगला पॉइंट जो था हमारा वस्तुनिष्ठ विधि में नियंत्रित, मापन रेखा, समजातीय या शारीरिक परीक्षण विधि का मतलब दोस्तों हम उसे कुछ शारीरिक परीक्षण करने के लिए कहते हैं, कुछ कार्य देते हैं करने के लिए, इस तरीके से हम उसके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कुछ कठिन कार्य दे दिया, वो गुस्सा हो रहा है, तो इस तरीके से हम उसके व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे। तो बस इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आपका काम क्या है दोस्तों, अब आपको हमें बताना है कि यह वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में आपका फीडबैक क्या है, क्या समझते हैं इस वीडियो के बारे में। तो ओके दोस्तों, आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप भी मेरे व्यक्तित्व के बारे में कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप कमेंट में रिप्लाई करते हैं। देखिए तीन टॉपिक यहाँ पे बात की गई। पहला था अधिगम के बारे में, अधिगम को जाना, अर्थ परिभाषा, उसकी प्रकृति को जाना और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक देखा हमने। उसके साथ ही साथ हमने देखा ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है, फिर मोटिवेशंस को जाना, उसकी प्रकृति को जाना, मोटिवेशन की अर्थ परिभाषा को जाना, व्यक्तित्व को जाना। ये बहुत ऐसे टॉपिक है दोस्तों, ऐसे प्रश्न हैं जो हमेशा आपसे पूछे जाते हैं, अक्सर आपसे इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आप लिख लेंगे। एक काम करिएगा आप लोग, जब इस वीडियो को देखिएगा तो जो टॉपिक आ रहा है टॉपिक को लिख के उसके बारे में आप क्या सोच सकते हैं, उसके बारे में अपने शब्दों में क्या बना सकते हैं, उसको एक बार लिखने की कोशिश जरूर करिएगा। ओके, तो बस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी जरूर करिए दोस्तों। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लाइक कर दीजिए वीडियो को, नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, अन्य दोस्तों को बुलाइए, ज़रा शेयर करिए, ज़रा जोड़िए इस चैनल से, क्या कर रहे हैं आप लोग, जरूर जोड़िएगा। तो जय हिंद, जय भारत।